अब रुख करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कांग्रेस के पोस्टर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एमपी को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। साथ ही कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा राहुल गांधी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। कोरोना में के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बनी हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 8 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 13 है। अच्छा, राहुल बाबा ने कभी ये कहा कि जो कश्मीरी पंडितों की संपत्ति पर जिनने कब्जा किया था वो वापस दिला देंगे? नहीं, ये ऐसे ही पंडित हैं। धन्यवाद है वो तो मोदी जी का कि राहुल बाबा वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी दुर्गा का मंत्र पढ़ रही है और मायावती की मंच से स्वस्ति वाचन हो रहा है। ये परिवर्तन है मोदी जी के आने के बाद देश का। देखो आप, वो पोस्टर कहां का है कांग्रेस, यही तो बता दें। विदेशी पोस्टर है वो। दरअसल मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं है ये। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी ही थे, जो कोरोना का वारियंट आया था उसे इंडियन वारियंट कहने वाले कमलनाथ जी थे। पाकिस्तान के पुल में दरार थी उसको हिंदुस्तान में भोपाल का पुल बताने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। मुर्दों से बातचीत सुनने वाले हमारे कमलनाथ जी थे, जो कब्रिस्तान में मुर्दों की बातचीत जिनने कोरोना काल में सुन ली थी। ऐसे ही ये फोटो भी, विदेश का फोटो उन्होंने अपने ट्वीट पर लगाया है। ये मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो कुत्सित कोशिश कांग्रेस कर रही है।